गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास एट्थ को चैप्टर टू पढ़ाऊंगी। हमारे चैप्टर का नाम है द माइक्रो वर्ल्ड। इसका लास्ट टॉपिक रह गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले तो हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन तो हम ले लेते हैं एयर से, जो हम एयर लेते हैं जैसे प्लांट से एयर। हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या मौजूद है? नाइट्रोजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, प्लस अदर गैसेस भी मौजूद हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? प्लांट से। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन हम कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए और प्रोटीन को हमारे बॉडी में कंटेन करने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा की होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है। अब आप पेज नंबर 30 में आइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये जो टॉपिक है आप पढ़िए। इवन दो नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एटमोसफेयर, द प्लांट्स के नॉट यूज़ इट डायरेक्टली। आपको मैंने अभी बताया एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब प्रेजेंट होता है, पर प्लांट्स क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाती है। तो उसके लिए फिर क्या होता है? द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाई अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन रीयूजेबल में। नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन को हम यूज़ कर सकें उस डेफिनेशन में उसको कन्वर्ट करता है। जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, जैसे जो हमारे एनवायरनमेंट में एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है ये नाइट्रोजन यूजेबल, जिसको यूज किया जाए, इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट होता है, जैसे जो फलीदार प्लांट होते हैं जिसमें फली दाना वगैरह लगे रहते हैं, जैसे मटर के जो प्लांट हैं, इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा, इनके रूट में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन, जैसे ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट में क्या होता है? राइजोबियम। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके रूट में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम, ठीक है। अब राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन मौजूद होता है, नाइट्रोजन सॉइल में भी मौजूद होता है ना। तो ये इसे, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन यूजेबल में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ मौजूद होता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में। और क्यों मौजूद होता है? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में क्या होता है? राइजोबियम होता है, इस वजह से इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन मौजूद होता है, ठीक है। अब दीज कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, दे आर देन एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब क्या हुआ, जो रूट में जो राइजोबियम है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है, तो ये क्या किया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को एब्जॉर्ब किया और प्लांट्स के पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट किया, जैसे लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों में वो एब्जॉर्ब किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इनके प्लांट के अंदर चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आइए, द हर्बीवोरस फीड ऑन द प्लांट्स एंड द कार्निवोरस फीड ऑन द हर्बीवोरस। अब आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे गया, रूट के थ्रू, सॉइल के थ्रू। अब इसी प्लांट को हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, घास पत्ते खाते हैं। अब जो हर्बीवोरस एनिमल है उनने क्या किया, प्लांट को खाया, तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन मौजूद था, तो हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन गया। कैसे गया? प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। अब कार्निवोरस के अंदर कैसे नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि कार्निवोरस के अंदर नाइट्रोजन गया प्लांट्स के थ्रू, सॉरी हर्बीवोरस के अंदर गया नाइट्रोजन कैसे, प्लांट्स के थ्रू। तो कार्निवोरस क्या करते हैं, मांस मछली खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस को खाएंगे,
अब जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस को ही खाते हैं ना, डियर हो गया, कुत्ते बिल्ली इन सब को ही पकड़ कर खाते हैं, तो इनके अंदर कैसे, इनके अंदर क्या आया, नाइट्रोजन आया, कहाँ से है इनके अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि ये प्लांट्स खा चुके हैं। तो प्लांट फिर कहाँ गया, कार्निवोरस में गया। फिर जब कार्निवोरस मर जाते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, डेड डिके हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे सॉयल में मिल जाते हैं, सॉयल में मिल जाते हैं, फिर वो नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाते हैं, और फिर वो वापस प्लांट में आते हैं, और फिर प्लांट से फिर हर्बीवोरस में जाते हैं, फिर कार्निवोरस में जाते हैं, और फिर जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये आपका पूरा क्या है, प्रोसेस हुआ नाइट्रोजन साइकिल का, ठीक है, समझ में आया नाइट्रोजन साइकिल क्या है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये जड़ है प्लांट का, ठीक है, अब ये प्लांट्स है, ठीक है, ये क्या है आपका प्लांट और ये है सॉइल। इसके इसके जड़ में, इसके रूट में क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम। अब राइजोबियम में क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कहाँ गया, ये जो रूट है ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किया तो ये पूरी में नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ये नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट हुआ। अब यहाँ से एक हर्बीवोरस आया, हर्बीवोरस जानवर मतलब डियर, डियर आया, डियर ने क्या खाया, प्लांट को खाया। अब प्लांट से नाइट्रोजन कहाँ गया, डियर में, हर्बीवोरस में गया। अब इधर एक कार्निवोरस आया, जैसे लॉयन मान लो, लॉयन ने क्या किया, डियर को खाया। अब डियर कहाँ गया, लॉयन के पेट में, मतलब डियर में भी तो नाइट्रोजन मौजूद था ना, नाइट्रोजन अवेलेबल था। अब कहाँ गया वो, डियर कहाँ है, लायन के पेट में, तो लायन के अंदर भी नाइट्रोजन आ गया। अब लायन बूढ़ा होके मर गया, मर गया तो ये कहाँ गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिला तो ये फिर नाइट्रोजन बना, और नाइट्रोजन बन के फिर ये सॉइल में क्या हुआ, फिर वहाँ पेड़ पौधे निकल जाते, उग जाते हैं, फिर ये वापस प्लांट में जाकर पूरे में ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ये आपका टोटल क्या हुआ, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, समझ में आ गया। ये ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। लाइफ साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, तो लाइफ साइकिल की तरह ही ये है। लाइफ कैसे चलती है, हर्बीवोरस प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं, फिर कार्निवोरस मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वहाँ से पौधा उत्पन्न, सेम उसी तरह का ये भी प्रोसेस है, ठीक है। पर ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। अब आप आ जाइए लेट्स डू में आप टिक द करेक्ट ऑप्शन है, द प्रोसेस इन विच द मिल्क इज बॉइल्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रैपिडली। अब बताओ इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें मिल्क को का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है बॉइल करके, तो बॉइलिंग ही बोलेंगे उसको, है ना, बॉइलिंग। सेकेंड, बैकिलस एंथ्रासिस कॉजेस एंथ्रैक्स, मिल्क कंटेन्स दीज बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया मिल्क कंटेन करता है, लैक्टोबैकिलस, ठीक है। These bacteria are found in the root nodules of leguminous plant. अभी मैंने बताया leguminous plant के root में क्या पाया जाता है, कौन सा bacteria, Rhizobium, ठीक है। This substance is added in cheese making. अब cheese को बनाने में कौन सा substance added किया जाता है, Rennet. Fill in the blanks. Dash is an instrument that helps to see objects that cannot be seen with the naked eye. Naked eye से हम कौन से objects को नहीं देख सकते, जब हम नहीं देख सकते हैं तो हम क्या use करते हैं, Microscope. और इन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम कौन सा चीज़ देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपको अब घर पे करना है खुद से, और मुझे करके व्हाट्सअप करना है फ़ोटो इसकी, जो नहीं आएगा आप डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।